जो है आप प्रदर्शन किया है, महिलाओं का गुस्सा फूटा है, पानी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगली खबर भी जयपुर से, दरअसल रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ एक रैली का आयोजन हो रहा है और इसमें जो है रोडवेज के तमाम श्रमिक इकट्ठा, उनकी अपनी मांगे किस सूत्र टोटल ये मांगे जिसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। जो इनकी पगार है, जो इनका मानदेय है, वो इनको समय पर नहीं मिलता, इसको लेकर इनकी जो मुख्य मांग है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि राज्य में विभिन्न रोडवेज डिपो में रैली में पहुँचे ये तमाम श्रमिक, कई रोडवेज डिपो से सिंधी कैंप बस स्टैंड से रवाना होकर रैली पहुंचे जयपुर। आपको बता दें कि जयपुर में प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल रैली आयोजित की जा रही है, रोडवेज मुख्यालय के पास केंद्रीय कार्यशाला पहुंचकर आम सभा में ये रैली परिवर्तित हो गई। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए। विष्णु, मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे प्रदर्शन की, क्योंकि ये पूरी ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रैली निकाली जा रही है अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर, अब ऐसे में क्या चीजें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है इस रैली से संबंधित? अब बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि अपने हक और अधिकार के लिए आज जो रोडवेज के श्रमिक हैं वो सड़कों पर हैं, क्योंकि लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं लेकिन इनकी मांग नहीं सुनी गई, तो आज इन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। सबसे अहम मुद्दा है इनका वेतन, वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा रिटायर्ड होने पर कर्मचारी को पेंशन, ग्रेचुटी सहित तमाम जो परिलाभ है वो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर रोडवेज के जो पदाधिकारी वो मौजूद हैं। इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो रोडवेज श्रमिक हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने सिंधी कैंप बस स्टैंड से रैली के रूप में रवाना होकर ये कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से लगातार रैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ रोडवेज आगार के पास पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं इनमें आक्रोश है कि समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। मेरे साथ किशन सिंह राठौड़ हैं, C2U के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को लेकर। किशन सिंह जी, क्या मांगे आपकी और क्या कहना है? ऐसा है कि हमारा पांच श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है और हमने सरकार को समय पे 21 सूत्री मांग पत्र हम दे चुके हैं और 2 महीने से हम लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज रोडवेज के कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही, समय पे पेंशन नहीं मिल रही है और जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट के जो परिलाभ हैं उनको समय पे नहीं मिलने की वजह से आज दो दो ढाई ढाई महीने तक ये उनको इंतजार करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बसों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, बसें काफ़ी कंडम हो चुकी है और कंडम होने के कारण आज हमारे पास में जो बसें हैं 2900 बसें हैं लेकिन ये दिसंबर तक आते आते हमारे पास सिर्फ 1500 बसें रह जाएगी और इन 1500 बसों के स्थान पर हमें कम से कम 2000 नई बसें तुरंत चाहिए। अगर 2000 नई बसें नहीं मिलती है तो आने वाले समय के अंदर रोडवेज की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बिल्कुल, रोडवेज खस्ता हालत है और उसके बाद और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मेरे पास धर्मवीर चौधरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार से आप लगातार मांगे कर रहे हैं फिर भी सरकार नहीं सुन रही, क्या कहना आपका? ऐसा है, ये जो हमारे संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हजारों लोगों की जो रैली हो रही है और हमारे जो 21 सूत्री मांग पत्र है वो कोई हमारा नया मांग पत्र नहीं है, हमारा ये पुराना ही मांग पत्र है। और ये सारा मांग पत्र जो हमारी आज की सरकार है कांग्रेस की, उसके जन घोषणा पत्र में है जिसको वो कहते हैं कि ये सरकारी दस्तावेज हो गया। हमारे संयुक्त मोर्चे का मानना यही है कि आपका जन घोषणा पत्र में जो आपने घोषणाएं की हैं उनको मेहरबानी करके लागू कर दीजिए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो हालात रोडवेज की है, हमारी केवल 1500 गाड़ियाँ रह गई हैं जबकि 2000 तो तत्काल गाड़ियाँ, हमको नई गाड़ियों की जरूरत है, 10000 पद खाली पड़े हैं, उनके बिना रोडवेज चल नहीं सकती है। तो और दो दो महीने तक लोगों को सैलरी, पेंशन, सेवानिवृत्ति परिलाभ भी करीबन 6 महीने हो गए जो रिटायर हुए हैं, किसी को एक पैसा भी उनको मिला नहीं है। RGHS जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है बुढ़ापे में, जो जिनको जरूरी है इलाज का, RGHS उनके लागू नहीं है। राज्य कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, हमारे रोडवेज में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, वो भी हमारी मांग है। और जो हमारे स्थायी आदेश से शासित हैं कर्मचारी, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, मैकेनिक हैं, दूसरे लोग हैं, उनको जो सुविधाएं हैं उनके उनको 18 EL मिलती हैं, दफ्तर में बैठने वाले बाबू को 30 EL मिलती हैं, वो 300 इकट्ठा कर सकता है, ये खाली 30 इकट्ठा कर सकते हैं।
मांगे हैं कि इन मांगों में वाकई में जायज मांगे, क्योंकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि बसों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी चीज है कि इनको समय पर पगार नहीं मिल रहा, वेतन नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये जो है गुस्सा जो है साफ तौर पर अब यहाँ पर नजर आने लगा लोगों के बीच। वो संख्या जो यहाँ पर मौजूद है, ये संख्या बल इस चीज की गवाही देने के लिए यहाँ पर काफी। विष्णु बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो बड़ी चीज है कि प्रदर्शन चल रहा है बड़े पैमाने पर, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, अलग अलग डिपो से यहाँ पर जो है तमाम श्रमिक पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा। बढ़ते आगे बांसवाड़ा से खबर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।